नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हम इस समय रीवा के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के दो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। मनगवां से शीला त्यागी जी हैं, वहीं त्योथर विधानसभा से गीता माझी जी हैं। आइए बात करते हैं, उनकी क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास जितने मुद्दे तो शायद किसी के पास हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश का तीसरे नंबर का दल है और जिनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही, उनको आज तक जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उन्होंने वो सुविधाएं जो वादे किए चुनावी वो आज तक पूरे नहीं किए। इसलिए हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, बिजली पानी अन्य अत्याचार, बेरोजगारी, भूखमरी, लाचारी, सड़क बिजली सब बहुत सारे मुद्दे। अगर आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आती तो इस बार आप कैसे अपने जो भी आपके वादे होंगे पूरा करेंगे? एक विधायक होने के नाते मैंने अभी भी वादे पूरे किए हैं, इतना बड़े पैमाने पे तो नहीं हो पाता क्योंकि हमारी सरकार नहीं होती है और सरकार जिसकी होती है वो खजाने का मालिक होता है तो विकास कार्य अच्छी तरह से हो पाता है। फिर भी अगर नहीं आती तो सरकार से लड़ेंगे, एड़ी चोटी की ताकत लगाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। पहली बात तो हमारी सरकार बन रही है, सरकार न बनने का कोई औचित्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन, बिल्कुल बिल्कुल इस बार हमारी सरकार बनेगी। इस बार आपकी सरकार बनेगी, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 100%। तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में कौन सा काम कराएंगे? पेयजल की समस्या, बिजली पानी की समस्या। आप जी, हमारे यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बिजली पानी रोड और स्वास्थ्य शिक्षा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आवारा पशु सबसे मेन मुद्दा है, आवारा पशु हमारे त्योथर विधानसभा क्षेत्र में। आपके यहाँ दो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनसे किस तरीके से, किस रणनीति के तहत उनसे चुनाव लड़ेंगी? रणनीति की इसमें नहीं, मैं जनता जनार्दन के भरोसे के साथ मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि अभी तक वर्तमान में बीजेपी की सरकार रही है। वर्तमान में अभी उस बीजेपी के माननीय विधायक जी भी हैं, लेकिन ऐसा कोई काम हुआ नहीं है तो जनता उनसे परेशान हो चुकी है। चार बार विधायक रहे हैं लेकिन आज भी कोई काम नहीं हुआ है, तो जनता जनार्दन के विश्वास के साथ मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, उतरी हूँ और शायद मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मेरे साथ है। पिछली बार आप बहुत कम वोटों से, 275 वोटों से चुनाव जीती थी, इस बार आपको क्या लग रहा है आपके जीत का प्रतिशत क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे 40,000 के लगभग वोट मिले हैं, वो वोट कम नहीं है। आज तक बहुजन समाज पार्टी में किसी भी सीट में 40,000 के लगभग वोट नहीं मिला है। मुझे वोट में 275 की जीत नहीं है, 40,000 की मेरी गिनती है और आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर जाऊँ। आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? किसी को नहीं। आप? मैं भी किसी को नहीं, सब बाकोवर है। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दो प्रत्याशी, जिनका साफ तौर से कहना था इस बार उनकी सरकार बनने जा रही, उनका क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में किसी से मुकाबला नहीं, वो आसानी से अपना अपना चुनाव जीत लेंगी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।